हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुष्मिता'स कुकिंग टूर। सो आज हम बनाने वाले हैं मोमो, चिकन मोमो। सो उसके लिए पहले हम चिकन का डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए एक कप मैदा और हाफ कप, सो टोटल हमने 1.5 कप मैदा लिया है और इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब इसमें पानी डाल के इसको सान लेंगे। हमारा डो सन के रेडी है। अब हम इसे साइड ढक के साइड कर लेंगे और अब चिकन स्टफ बनाएंगे। सो अब हम चिकन स्टफ बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 250 ग्राम चिकन लिया, उसको कीमा टाइप बनाना, मतलब पीस लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। सो मेरा चिकन पीस के रेडी हो गया। हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। इसमें 1/4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसमें 2-3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। 1/4 टेबल स्पून विनेगर, 1/4 टेबल स्पून सोया सॉस, 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ब्लैक पेपर। इसमें नमक मैं 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा कम डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना नमक अपने स्वाद के अनुसार। पहले इसे मिला लेंगे। अब इसमें मैंने एक लार्ज ऑनियन चॉप कर लिया, इसको डालेंगे इसमें और इसको मिला लेंगे। इसको मिला लेंगे। सो मैंने एक बड़ा सा डो ले लिया है, मैं इसी को बेलूंगी और फिर इसमें कट करूंगी ताकि इसे मेरा टाइम सेव हो। सो मैं अब एक ग्लास ले रही हूँ जिससे मैं कट करूंगी। सो मैंने इस एक डो से 5 मोमो का डो तैयार कर लिया। रेस्ट को मैं साइड कर दूंगी, फिर नेक्स्ट मोमो के लिए फिर इसे यूज़ करूंगी। सो अब मैं ये एक सर्कल को, सो मैंने इसको एक गोला को ले लिया है, इसको हम पतला बेल लेंगे। इसमें चिकन स्टफ डालेंगे। ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। उसको राउंड राउंड करके डंपलिंग बना लेंगे। हम इडली स्टैंड में थोड़ा तेल देके ग्रीस कर लेंगे। और इसमें मोमो रखेंगे। सो अब हम मोमो को प्रेशर कुकर में डाल देंगे और इसे स्टीम होने के लिए रख देंगे और इसे ढक देंगे। हमारा मोमो बन के रेडी हो गया है। हमने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इसे स्टीम करा है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा मोमो बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर मैगी मसाला भी छीटा है और चटनी के साथ मेयोनीज। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। सो आपको हमारा रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।